आपने इस दुनिया में बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। कुछ तो बहुत खूबसूरत होते हैं और कुछ बहुत खतरनाक। लेकिन क्या आपको पता है इस धरती पर ऐसे भी कुछ पक्षी हैं जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो हमारे सामने कभी ना आए, क्योंकि ये होते ही इतने खतरनाक है। जी हाँ, मैं बाज के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे इंग्लिश में ईगल भी कहते हैं। तो आइए इस खतरनाक पक्षी के बारे में जानते हैं। बाज को उसकी ताकत, अलर्टनेस और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना गया है। दुनिया भर में बाज के 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये मांसाहारी होते हैं और इनके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे, कम रफ्तार में उड़ने वाले दूसरे पक्षी, यहाँ तक कि लोमड़ी व हिरन भी शामिल है। क्या आपको ये पता है, ये बार बार एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं होते हैं। ये उम्र भर एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की कमी होने की स्थिति में ये अपना स्थान भी बदल सकते हैं। बाज के जो घोंसले होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 से 6 फीट और 2 से 4 फुट लंबा हो सकता है। अगर पेड़ मजबूत है तो ये एक ही घोंसले का इस्तेमाल हर बार करते हैं और हर साल नए सामानों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए कुछ घोंसले बहुत भारी भी हो सकते हैं। मादा बाज 1 से 3 सफेद रंग के अंडे देती है, जिसे वे 35 दिनों तक सेकती है। इस दौरान नर बाज की जिम्मेदारी होती है कि वह भोजन और अन्य सामान इकट्ठा करे। क्या आपको पता है, बाज के बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और जन्म के बाद 6 हफ्ते में ही इनका वजन 3 से 4 किलो तक हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी नज़र बहुत तेज होती है, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं पर फोकस कर सकती है, इससे उन्हें आगे और साइड को एक साथ देखने की क्षमता मिल जाती है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नर बाज का वजन मादा के मुकाबले 25% तक कम होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं। क्या सच में? शिकार के समय 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है। क्या आपको पता है, 1970 के दशक के दौरान बाज लगभग लुप्त हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने एक अचानक वापसी की है। वैसे तो एक बाज की लगभग उम्र 20 साल होती है, लेकिन ये 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी आंखें बहुत तेज होती है, अपने शिकार को 5 किलोमीटर से भी देख लेते हैं और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देखने में सक्षम है। वाओ! हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है, क्या आप ये जानते थे? आसमान पर बाज पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। ये आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। क्या आपको पता है, अरब देशों में बाज पालना एक शान की बात है और यूएई देश का राष्ट्रीय पक्षी बाज ही है। बाज की आवाज बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।